हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहां स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है, अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950-6900-21। वॉइस ऑफ पानीपत, और वॉइस ऑफ पानीपत जो आपको आपके शहर की समस्याएं दिन प्रतिदिन दिखाता रहा है, और आज हम समस्या जो लेकर आए हैं वो है बिजली से संबंधित, क्योंकि मौसम जो है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, बढ़ती गर्मी के कारण लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ जो है बिजली के कट परेशान कर रहे हैं। और दूसरा एक फ़ोन कॉल हमारे पास जो आया था उसमें लोगों ने शिकायत की थी कि जो है कि वो अधिकारी के पास अगर फ़ोन कर रहे हैं अपनी समस्या उन्हें बताने के लिए कि बिजली जो है नहीं आ रही, या तो अधिकारी के फ़ोन मिल नहीं रहे हैं या फिर उन्होंने फ़ोन जो है बिजी लाइन पे लगा रखे हैं और ना इनके फ़ोन रिसीव किए जा रहे हैं। अब ऐसे में लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा आप समझ सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सुबह से जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर आपको इंडस्ट्रियल एरियाज की तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, जहाँ पे लोग जो है नेताओं को कोसते नजर आ रहे होंगे बिजली के जो बंदोबस्त है उनको लेकर। अब उनकी तो बात आपने सुनी, लेकिन अगर बात आए किसी नेता के घर की, अगर उनके घर में बिजली अगर कुछ देर के लिए चली जाए तो उनके फ़ोन पे फ़ोन बजने शुरू हो जाएंगे, लेकिन क्या गरीब जनता की सुनवाई करने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्या वो यूं ही परेशान होती रहेगी। लेकिन अब वैसे भी लोगों को समस्याएं कितनी आ रही हैं, ये लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? अमीर चल। तो यहाँ पे बिजली कब से नहीं है? ये रात से जा रही है, रात को 9 बजे आ रही है। अच्छा। हाँ। तो ऐसे में बिजली अगर नहीं है तो पानी से संबंधित समस्या भी हुई होगी? पानी है। पानी नहीं है। किसी अधिकारी के पास आपने फोन किया? हाँ जी बिल्कुल, मैंने फोन किया था आप लोगों को। अच्छा, तो क्या रिस्पांस मिला? मैंने रात अपने विधायक जी को फोन किया था, XCN साहब को फोन किया, SDO साहब को फोन किया है, JE साहब को फोन किया है, जितने भी नंबर हैं मैं आपको अपनी फोन डिटेल दे दूंगा, जितने भी नंबर हैं उन सब नंबरों पे हमने ट्राई किया। ये जिन्होंने ये लाइन मैन वगैरह जो नंबर दे रखे, ये नंबर तो पहली बात वो उठाते ही नहीं, और XCN साहब ने कह दिया मुझे तो आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी। अच्छा। और मैं अपना हम सारे मिलके इकट्ठे होके MP साहब के पास भी गए, तो MP साहब के वहाँ जो व्यक्ति बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि आप हमारे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। अब ये हम 9 बजे से रात जो है हम इतनी गर्मी में दुखी हो रहे हैं और बिना किसी मतलब के हो रहे हैं, और कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। थक हार कर मैंने आप लोगों को फ़ोन करके आपके माध्यम से प्रशासन तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाई है कि कोई हमारी ग्रीवेंस को दूर करे और हम सबको जो है ना ऐसे नरक से बाहर निकाले। आप देखें लोगों में कितना गुस्सा भरा पड़ा है बिजली ना आने के कारण, क्योंकि बिजली ना आने के चलते ने पानी की समस्या से जो है वो भी जूझना पड़ रहा है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? तो यहाँ बिजली की समस्या कब से है? 24 घंटे से बिजली की समस्या है। अच्छा। तो और किस किस को आपने फ़ोन किया है? MP साहब, DC साहब, सबको फोन किया, कोई समस्या नहीं। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है समस्या ही समस्या है पानी को लेकर, बिजली को लेकर। और अंकल आपके क्या नाम है? ओम प्रकाश है। बिजली की समस्या जो यहाँ पर हुई है, क्या दिक्कतें हुई है? दिक्कत है मैडम, रात से दिक्कत है, हम परेशान हो रहे हैं। हमेशा ही ऐसा रहता है? फिर कल रात से ही है? कल से ही है ज़्यादा। अच्छा। एक दो दिन हो गए वैसे, लाइट आती है जल्द चली जाती है। जी आंटी जी आप बताइए। लाइट कल सारा दिन नहीं, 3 बजे रात को आई थी थोड़ी देर, फिर चली गई है। सारे लोग बाहर बैठ बैठ के सांस, ना इन्वर्टर है ना वो है, आ ही नहीं रही। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी भी ऐसे, 2 मिनट रात को 3-3 बजे सड़कों पे घूम घूम के पानी पी के, अब भी नहीं है।
अभी नहीं है ही नहीं, इन्वर्टर हो तो चुप कर दे। आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ जनरेटर वगैरह का इंतजाम करने की कोशिश की? इन्वर्टर तो है, जब लाइट एक दो घंटे आएगी बेटे इन्वर्टर होगा। मैं ये कह रही हूँ आपने जनरेटर वगैरह का इंतजाम खुद करना पड़ा है आपको? नहीं नहीं, हम तो किया ही नहीं। तो आप देखें कि लोगों को जो है कितनी परेशानी से जूझना यहाँ पड़ रहा है। बिजली की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, पानी की समस्या भी उसके साथ ही इनको हो रही है। छोटे छोटे बच्चे को जो है गर्मी से जूझना पड़ रहा है। छोटे छोटे जो बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे इतने परेशान हैं। आप जाकर हमारे घरों के अंदर देखें, बुरा हाल हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अब हमारे पास इस चौक को जाम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर कोई भी आगे नुकसान होता है या किसी भी तरह की कोई प्रशासन में हलचल होती है, वो सारी जिम्मेवारी प्रशासन के ऊपर है। हम सब लोग थक गए हैं, हार गए हैं, अब हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और हम परेशान हैं। हम आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं, बिल लेने के लिए जो है ना, आप अगर हमारा एक मिनट के लिए भी बिल लेट हो जाए तो आप इतना सारा फाइन लगा देते हो। अब हम दो दिन से तड़प रहे हैं, नरक में नरक की जिंदगी जी रहे हैं, तो आप लोग कहाँ हो? कहाँ है हमारे विधायक, कहाँ है हमारे MP, कहाँ है एक्सीएम, कहाँ है SDO, किसकी आगे जाके गिड़गिड़ाए? मैं आपसे विनती करता हूँ किसी भी तरीके से ये हमारी समस्या का हल करवाएं। आप यहाँ दूर तक जाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, दूर तक देखो कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है और ये सारे परेशान हैं। आप देख रहे हैं लोगों में कितना आक्रोश भरा हुआ है बिजली ना आने की वजह से, और जो है बिजली प्रशासन से वो हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर रहे हैं कि बिजली का बंदोबस्त किया जाए। और बिल के बारे में भी अंकल ने बताया है हमें। आप देख रहे हैं कि सामने जनरेटर लाकर लोगों को अपना काम चलाना पड़ रहा है, बिजली से छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि माताएं बैठी हुई हैं, किस तरह के हाथ से जो है हवा करने की कोशिश वो कर रही हैं। अब हम आपको शिव चौक पर हम आपको दिखा रहे हैं कैसी बुरी हालत में लोग फंसे हुए हैं। अब हम यहाँ की औरतों और बच्चों से बातचीत करके पता करेंगे उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आओ, नमस्ते आंटी जी, आपको कब से लाइट नहीं आ रही? 3-4 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही। अच्छा आंटी जी, आंटी कर जाते हैं अभी वो थोड़ी आगे जाते हैं, फिर पटाखा बज जाता है, कभी आग लगी पड़ी है, यहाँ पे आग लग गई, हमें तो डर है हमारे घर में ही आग लग जाएगी। बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है? बच्चों को परेशानी है, देखो बैठे हैं बाहर निकल के, ना रात को सो पाते हैं, सारी रात बैठे रहते, बैठ बैठ के गुजारते हैं सारी रात, हवा करते हैं हाथ से, कितने तक हवा करें हाथ से, आदमी तो थक जाते हैं। खुद नींद नहीं करेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। सही बात। लड़की को 2 दिन के बुलाया था, वो आज ही उसको फोन कर दिया अपने पति को, वो आने लेने आ गया, चली जाएगी। भाटिया साहब जी के पास भी गए हैं, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, तो आए थे लाइट वाले ठीक करके गए हैं, थोड़ी देर में उधर आग लग गई, फिर वो तार ठीक करके गए हैं, फिर इधर आग लग गई, फिर IT करके गए हैं, बस लाइट, फिर वो जाते हैं लाइट चली जाती है, वो ठीक करके जाते हैं लाइट चली जाती है। हमने भाटिया साहब को कहा भाई नई बड़ी मोटर लगवा दो यहाँ पे, ये लोड ज़्यादा है इधर, तो वो बदल देना, बदलते ही नहीं है, घड़ी घड़ी आग लग रही है। बताओ आपने आपने इस समय बुजुर्गों की बात सुनी, अब हम बच्चों को भी आपसे बच्चों की भी परेशानी आपको दिखाएंगे। आप चलिए, यहाँ पे कितनी भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है, लोग इतने परेशान हैं, इतने दिनों से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने अभी बात की, बुजुर्ग ने बताया 3-4 दिन हो चुके हैं उनको इतनी परेशानी। आओ इन आंटियों से बात करते हैं, इनको कितनी परेशानी क्यों है। परेशान है, 2 दिन से परेशान है, लाइट ही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। आंटी आपने फोन किया लाइट वाला? हमने बहुत, हम इसके संजय भाटे के ऑफिस में गए। अच्छा जी, जब भी सुनाई। फिर क्या ऊपर के लोगों से क्या सुनवाई? उसी लगा के तार है, फिर उसके बाद फिर खराब हो गई है। अच्छा जी, और बच्चे कितने परेशान हैं? बहुत, नींद ही नहीं आ रही, बच्चे सारे तड़प रहे रात से। 15 दिन से परेशान है, 15 दिन से ना SDO सुन रहा है ना जय सुन रहा है। SDO कहता है कर लो जो करना है, मैं नहीं आता, कर लो जो करना है। जाम कर देंगे, फिर क्या करेगा? जय नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। आज संजय भाटिया जी से फोन करवाया मैंने, तब भी नहीं सुन रहे मैडम, कोई भी नहीं है। 15 दिन से लाइट खराब है, बताओ कैसे चलेंगे? छोटे छोटे बच्चे सारे परेशान हैं। आप अभी देख सकते हैं कि बच्चे कितने सारे परेशान हैं। हम सुबह रोड जाम कर देंगे, क्या फिर कोई आ जाए? चलो चलो चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सब
सबने देखा कि जनता कितनी परेशान है। यहाँ हम शिव चौक पर है, वार्ड नंबर 10 में सनोली रोड पर, और जनता की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। ये अभी रोड जाम की बात कर रहे हैं। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक लाइव प्रोग्राम लेके। हम वॉइस ऑफ पानीपत से फिर हाजिर होंगे आपके साथ। जनता बहुत आक्रोश में है और वो बता रही है कि उनकी बहुत बुरी हालत है। आप अगर हमारा चैनल फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो और लाइक करना ना भूलें, और हम फिर हाजिर होंगे सामने। धन्यवाद। आंखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी हैं, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। जी जी आई नई डगर, सारी सोच नई है, तलाश अपनी खत्म यही है, अरमां है जितने भी सारे पूरे होने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. Poore honge saare sapne. पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।